शनिवार को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंसिंगटन ओवल में खेले गए T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर ट्रॉफी हासिल की। भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत 11 साल के ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर दिया। आखिरी वक्त तक अपनी धड़कनों पर काबू रख भारतीय टीम ने हार के मुंह से जीत खींच ये ट्रॉफी अपने नाम की है। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद काफी भावुक नजर आए। इस दौरान विराट और हार्दिक द्वारा मैदान से ही किए गए वीडियो कॉल ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी इस जीत के बाद काफी भावुक नजर आ रहे थे। इस बीच मैच के हीरो रहे विराट कोहली और बाकी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। विराट ने जीत के तुरंत बाद मैदान से ही वीडियो कॉल पर बात करते नजर आए। उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों से बात की। इस दौरान वह बच्चों के साथ उनके अंदाज में बात करते नजर आए। उनकी पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी एक खास पोस्ट साझा करते हुए बताया था कि भारतीय खिलाड़ियों को भावुक देख उनकी बेटी वामिका भी चिंतित थी। विराट के अलावा हार्दिक भी जीत के बाद वीडियो कॉल पर बात करते नजर आए। एक तस्वीर फिलहाल काफी वायरल हो रही है जिसमें स्टार ऑनल अराउंडर किसी से वीडियो कॉल पर बात करते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि वह अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वह अपनी माँ या भाई से बात कर रहे थे। अभी तो यह साफ नहीं हो सका है कि वह किससे बात कर रहे थे, लेकिन नताशा से हार्दिक का वीडियो कॉल पर बात करने की अटकलें काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से हार्दिक और उनकी पत्नी और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक के बीच सब कुछ सही नहीं होने की खबरें तेजी से फैली थीं। इन दोनों के रिश्ते को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में काफी कुछ लिखा और कहा जा चुका है। इन बातों को तब हवा मिली थी जब नताशा ने अपने सरनेम से पांड्या हटा दिया था और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हार्दिक के साथ की सभी तस्वीरें हटा दी थीं। इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते में दरार को लेकर खबरें सुर्खियां बनने लगीं। हालांकि अब तक दोनों के तरफ से इन बातों पर कोई सफाई नहीं दी गई है।